हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके तो गाइस आज की वीडियो में मैं श्री कृष्ण के ऊपर किस तरीके से रियलिस्टिक वे में कलरिंग करते हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा, और मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस पिक्चर को यूज़ किया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर से देना। तो बिना देरी किए चलिए ड्राॅइंग को शुरू करते हैं। ओके तो ऑयल पेस्टल और वाटर कलर के बीच में मैं हमेशा वाटर कलर को यूज़ करूँगा बेस लेयर बनाने के लिए। पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा कलर यूज़ करना है और कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। हमें यहाँ पे पर्शियन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू कलर को यूज़ करना है स्किन टोन के लिए। हेयर के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रंट सियाना और पर्शियन ब्लू कलर को यूज़ करेंगे, और जो भी ज्वेलरीज है उसके ऊपर बेस लेयर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे येलो ऑकर कलर का यूज़ करेंगे। वैसे तो बॉक्स में 12 कलर आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये 4 कलर लगेंगे एक अच्छा सा बेस लेयर बनाने के लिए। ओके तो वाटर कलर पूरा का पूरा सूख चुका है, और अब हम लोग यहाँ पे ऑयल पेस्टल की मदद से डिटेल्ड वे में कलरिंग कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे पर्शियन ब्लू कलर को यूज़ करूँगा, और पर्शियन ब्लू कलर की मदद से जो एकदम डार्क वैल्यूज है उस जगह के ऊपर कलरिंग कर लूँगा। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं कौन कौन से एरिया के ऊपर पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से देखो कि मैं पर्शियन ब्लू कलर को कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो भी एरिया को मैं यहाँ पे छोड़ के कलरिंग कर रहा हूँ वो एरिया हम लोगों का सिंपली हाइलाइटेड एरिया होने वाला है। तो वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि आप लोगों को कहाँ पे पर्शियन ब्लू कलर को यूज़ करना है और कौन सी एरिया को छोड़ के कलरिंग करना है। ओके तो गाइस डार्क वैल्यूज़ के ऊपर काम कर लेने के बाद अब हम लोगों को मिडिल वैल्यूज़ के ऊपर काम कर लेना है। मिडिल वैल्यूज़ को बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली तीनों कलर का यूज़ किया हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे पहले अल्ट्रा मैरिन ब्लू कलर का यूज़ करना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि अल्ट्रा मैरिन ब्लू कलर को मैं कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों को सिंपली अल्ट्रा मैरिन ब्लू कलर की मदद से, पर्शियन ब्लू कलर की मदद से जो भी एरिया के ऊपर आप लोगों ने शेडिंग किया था उस एरिया के ऊपर भी शेडिंग करना है, और जो भी मिडिल वैल्यूज़ है उस जगह के ऊपर भी कलरिंग करना है। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो। ओके तो मिडिल वैल्यूज़ के ऊपर काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो दूसरा कलर को यूज़ करेंगे वो सिंपली वॉयलेट कलर होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं वॉयलेट कलर को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ पे भी मैं यहाँ पे वॉयलेट कलर को इस्तेमाल कर रहा हूँ वहाँ पे मैं सिंपली लाइट प्रेशर अप्लाई करके वॉयलेट कलर को यूज़ किया हूँ। और गाइस एकदम आखिर में मैं यहाँ पे रोज पिंक कलर की मदद से श्री कृष्ण की गालों के ऊपर जो भी पिंक टोन है उसको बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं रोज पिंक कलर को किस तरीके से इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली लाइट वैल्यूज के ऊपर काम कर लेंगे। तो लाइट वैल्यूज के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कलर है, वो कलर है वाइट कलर। ओके तो अब तक आप लोगों ने जो भी एरिया को छोड़ के कलरिंग किया था उस एरिया के ऊपर आप लोगों को सिंपली वाइट कलर की मदद से कलरिंग कर लेना है। तो ये हो गया हमारा हाइलाइटेड वैल्यूज़। तो हम लोगों ने अब तक तीनों वैल्यूज़ के ऊपर काम कर लिया है, तो इस वैल्यू के ऊपर किस तरीके से काम करना है वो अच्छी तरीके से देखो। ओके तो गाइस तीनों वैल्यूज़ के ऊपर अच्छी तरीके से काम कर लेने के बाद अब हम लोगों को इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा स्मूथ स्किन टोन नहीं मिलेगा। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे कॉटन बड का यूज़ किया हूँ, और एज़ यूजुअल कॉटन बड को यूज़ करने से पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत वाइट कलर घिस लिया हूँ, जिससे कि हमारा जो ब्लेंडिंग है वो ज़्यादा स्मूथली हो पाए। और ब्लेंडिंग को आप लोगों को स्टार्ट करना है यहाँ पे लाइट टू डार्क एरियाज़ की तरफ, यानी कि आप लोगों को पहले जो लाइट एरियाज़ है उसके ऊपर ब्लेंडिंग कर लेना है, और उसके बाद ही जो डार्क वैल्यूज़ है उसके ऊपर ब्लेंडिंग करना है। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली कलर करेक्शन कर लूँगा। कलर करेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली सिर्फ वाइट कलर का यूज़ किया हूँ। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं वाइट कलर को कहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। जहाँ पे भी आप लोग सिंपली वाइट कलर को इस्तेमाल करोगे वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही लाइट प्रेशर अप्लाई करके यूज़ करना है। और कलर करेक्शन करते करते मैं यहाँ पे सिंपली श्री कृष्णा ने जो भी ज्वेलरीज पहना है उसके ऊपर भी एक बेस लेयर बना लूँगा, जिसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे डीप येलो, येलो ऑकर और मीडियम येलो कलर का यूज़ किया हूँ। तो मैं इन तीनों कलर को कहाँ पे यूज़ किया हूँ वो वीडियो में अच्छी तरीके से देखो, और आप लोग भी वैसे ही करना जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है।
ओके तो कलरिंग कर लेने के बाद अब मैं कर लूंगा इसको ब्लेंड। तो मैं यहाँ पे पहले व्हाइट कलर को ब्लेंड करूंगा और उसके बाद ज्वेलरीज के ऊपर ब्लेंडिंग कर लूंगा। मैंने यहाँ पे दोनों एरियाज को ब्लेंड करने के लिए एक अलग अलग कॉटन बट का यूज किया है, तो आप लोग भी अलग अलग कॉटन बट का यूज करना और अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग को कर लेना। ओके तो गाइस ज्वेलरीज के ऊपर तो हम लोगों ने काम कर लिया है, लेकिन ज्वेलरीज का जो शाइन होता है उसको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए हमें थोड़ा और ज्यादा डार्कनेस ऐड करना पड़ेगा ज्वेलरीज के ऊपर, जिसको करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली ब्राउन कलर का यूज करूंगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो में देखो कि मैं ब्राउन कलर की मदद से किस तरीके से ज्वेलरीज के ऊपर एक और लेयर में शेडिंग कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हल्के हाथ से शेडिंग किया हूँ, तो इस चीज का भी ध्यान रखना जब आप लोग ब्राउन कलर को यूज कर रहे होंगे। ओके तो गाइस जिस तरीके से मैंने ब्राउन कलर को हल्के हाथ से यूज किया था, उसी तरीके से मैं ब्राउन कलर को हल्के हाथ से ही ब्लेंड कर दूंगा। और ब्राउन कलर को ब्लेंड कर देने के बाद यहाँ से हमारा डिटेलिंग पार्ट स्टार्ट होता है। तो डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे पहले कैंची का इस्तेमाल करूंगा और जिस ब्राउन कलर को मैंने अभी अभी अप्लाई किया है उसको स्क्रैच करके ज्वेलरीज में एक अच्छा सा शाइन और डिटेलिंग को ऐड कर लूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखो कि मैं कैंची की मदद से किस तरीके से ज्वेलरीज के ऊपर ज्यादा डिटेलिंग को ऐड कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और कैंची की मदद से सिंपली ज्वेलरीज के ऊपर डिटेलिंग कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली जो वाइटल पार्ट है उसको कर लूंगा, यानी कि श्री कृष्ण की फेस के ऊपर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से डिटेलिंग को कर लूंगा। तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से यूज करना है, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा बहुत केयरलेस वे में काम करोगे तो आप लोग रियलिस्टिक तो दूर की बात पूरे ड्राइंग को खराब कर सकती हो। तो इस चीज का ध्यान रखना और बहुत ही अच्छी तरीके से जेंटली सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से श्री कृष्ण के फेस के ऊपर और उनके बॉडी के ऊपर शेडिंग कर लेना। ओके तो श्री कृष्ण की बॉडी के ऊपर और उनके फेस के ऊपर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से काम कर लेने के बाद अब मैं उसी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से श्री कृष्ण ने जो भी ज्वेलरीज पहनी है उसके ऊपर जो भी एकदम एक्सट्रीम ब्लैक डार्क वैल्यूज है उसको बना लूंगा। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं इन चीज़ों को किस तरीके से डिटेल वे में बना ले रहा हूँ। और ज्वेलरीज के ऊपर भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से डिटेलिंग को कर लेने के बाद अब फिर से उसी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से मैं श्री कृष्ण की आई के ऊपर सिंपली डिटेलिंग को कर लूंगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखो कि आप लोगों को सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से श्री कृष्ण की आई के ऊपर किस तरीके से डिटेलिंग को कर लेना है। ओके तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से हमें जितना डिटेलिंग करना था उतना हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सिंपली कलर पेंसिल की मदद से डिटेलिंग को कर लूंगा। आप लोगों ने अब तक सारे कलरिंग पार्ट को देखा है, लेकिन अब तक मैंने लिप्स के ऊपर कलर नहीं किया है। तो अभी मैं सिंपली रेड कलर पेंसिल, ब्राउन कलर पेंसिल, ऑरेंज कलर पेंसिल और ब्लैक कलर पेंसिल की मदद से श्री कृष्ण के लिप्स के ऊपर अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में काम कर लूंगा। और लिप्स के ऊपर कलर पेंसिल को यूज कर लेने के बाद उसी कलर पेंसिल की मदद से मैं श्री कृष्ण की आई का जो व्हाइट एरिया है उसके ऊपर भी हल्का फुल्का डिटेलिंग को कर लूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और गाइस एकदम आखिर में मैं कैमल की व्हाइट पोस्टर कलर की मदद से श्री कृष्ण की सर के ऊपर जो तिलक है और उनकी आंखों के ऊपर जो हाईलाइट है उसको बना लूंगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इस ड्राइंग की नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।